देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर सेवसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, युवा जोश और नई सोच के साथ खबर सेवसी न्यूज चैनल में जुगल किशोर के साथ आपका स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से यह बड़ी खबर। सिर कटी अज्ञात महिला की लाश मिलने से पुलिस ने किया खुलासा, भाई ने ही की थी बहन की हत्या, भाई हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें कि बहराइच में दिनांक 2 सितंबर को पूर्व में हुई हत्या का मृतका सिर कटी हुई महिला का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को आला कत्ल सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार पांडे, उप निरीक्षक सोमपाल गंगवार, आरक्षी प्रभाकर चौधरी, आरक्षी विश्वरंजन गोस्वामी ने निशानदेही पर अभियुक्त जमशेद पुत्र अहसान को SBI कस्बा रूप बिहा के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त के निशानदेही पर हत्या में उपयोग आला कत्ल, एक चाकू, मृतका एवं अभियुक्त के कपड़े बरामद किए। बता दें कि एक बॉडी बरामद हुई थी जो एक महिला की थी और उसके बॉडी पर सर मिसिंग था, बोरे में बंधे बॉडी मिली थी, उसमें मुकदमा लेके लगातार टीम इसकी शिनाख्त में जुटी हुई थी। आज 2.5 महीने के बाद इस केस का सफल अनावरण हुआ है। जिस महिला की बॉडी मिली थी उसका नाम रूबी है, जो 18 वर्षीय है और मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। उसकी बड़ी बहन और उसका पति यहाँ पर रुपईडिया में फेरी लगाते थे और रूबी का जो रिलेशन है अपने जीजा के छोटे भाई हसीन से हो गया था, जिसको उसका रूबी का जो भाई जमशेद है वो ऑब्जेक्ट करता था क्योंकि हसीन ऑलरेडी शादीशुदा था। काफ़ी दिनों तक समझाने के बाद जब रूबी और हसीन इस बात से नहीं माने तो क्षुब्ध होकर जमशेद द्वारा इस घटना की प्लानिंग बनाई गई। अपने जीजा और सिस्टर से अलग रहते हुए नानपारा में एक कमरा लिया गया, मौका पाते ही रात के समय पे मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और निशान छुपाने के लिए, सबूत छुपाने के लिए गला काटकर धड़ को जो है बाबागंज कस्बे में फेंक दिया गया। धड़ की पहचान ना हो सके और सर को अलग से डिस्पोज ऑफ करने के लिए सर के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया गया, साथ में खून से लदे हुए कपड़े भी उसके द्वारा जलाए गए हैं। इस पूरी घटना के अनावरण के साथ जमशेद ने अपना जो जुर्म है वो कबूल लिया है, उसने इस पूरी बात को मान लिया है। इस पूरी घटना के अनावरण के संबंध में जो सर्वेलांस के माध्यम से जानकारियां प्राप्त हुई हैं वो भी सभी सबूतों को कनेक्ट कर रही हैं, साथ ही इनके घर वालों की जो बयान है वो भी इस पूरी घटनाक्रम को जो पीछे कई महीनों से चल रहा था उसको तस्दीक कर रहे हैं। इस पूरी टीम को इस सफल अनावरण के लिए बधाई दी जाती है और 5,000 का नगद पुरस्कार घोषित किया जाता है। बड़ा सनसनीखेज मामला था।